उस दिन सनराइज होने से पहले कराची में सर्दी, 10 लश्करे तैयबा टेररिस्ट ने अल हुसैनी नाम के शिप को बोर्ड किया एंड अरेबियन सी के थ्रू इंडिया आए, जो एक बहुत ही हेविली प्लान टेरर अटैक का पार्ट। समुद्र में इन टेररिस्ट ने एक इंडियन ट्रॉलर को हाईजैक किया एंड उसके इंडियन क्रू को अपना हॉस्टेज बनाया। शाम होने पे इन टेररिस्ट ने इस ट्रॉलर के क्रू को एग्जीक्यूट किया एंड ट्रॉलर की इन्फ्लेटेबल बोट से मुंबई के आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। शाम के 7 बजे ये टेररिस्ट डिफरेंट ग्रुप में सेपरेट हो गए। अगले कुछ दिन इंडिया ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान गंवाते हुए देखा। इस टेरर अटैक ने इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी के गैप्स को हाईलाइट किया, प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू इन्हांस इट्स कोस्टल सिक्योरिटीज ऑन इट्स 7516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पे। यहीं से शुरुआत होती है लक्षद्वीप आइलैंड्स की मिलिटराइजेशन की, विद कोस्ट गार्ड स्टेशन इन कवारत्ती, मिनिकॉय एंड एंड्रॉथ, 1 नेवल बेस एट कवारत्ती, अ नेवल डिटैचमेंट फॉर सर्विलियंस पर्पस ऑन एंड्रॉथ आइलैंड्स। ऑन 6 मार्च 2024 इंडिया ने अपने लेटेस्ट नेवल बेस को मिनिकॉय आइलैंड्स पे कमीशन किया, विच मार्क अ सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट टू इंडिया स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द इंडियन ओशन। न्यू नेवल बेस INS जटायु, जो लक्षद्वीप आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इन द इंडियन ओशन। इंडिया का प्लान है टू एड मोर नेवल एसेट्स हियर विद एडिशनल फोकस ऑन एयर स्ट्रिप एंड फाइटर जेट्स, वाइल अगाती आइलैंड्स एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है टू एड मोर मिलिट्री प्लेन्स। अगर हम लक्षद्वीप की ज्योग्राफी को समझे, इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, विच इज 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन एंड ओवर 130 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ मालदीव्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स इंडिया को 4,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी देते हैं इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन ओशन से ही पास होती हैं एंड इंडियन ओशन का जियोपॉलिटिकल पावर प्ले हर दिन आग पकड़ रहा है एंड अनसर्टेनिटीज को बढ़ावा दे रहा है। अरेबियन सी में मैसिव पायरेट अटैक्स एंड मिडल ईस्ट की ग्रोइंग अनसर्टेनिटीज को नजर में रखते हुए इन सभी जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स की सेफ्टी पहले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप इस मैप को देखो तो मिनिकॉय 9° चैनल के जस्ट नीचे है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स है, हैंडलिंग 2/3 ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड हाफ ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनर शिपमेंट टू ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया। ये रूट इंडिया और चाइना दोनों के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया का 50% एक्सटर्नल ट्रेड एंड चाइना का 84% एनर्जी नीड्स इन्हीं लेन से पास होती है। 9° चैनल की एक साइड पे गल्फ ऑफ एडन एंड स्ट्रेट ऑफ हरमूज है एंड दूसरी साइड पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, विच गिव्स इंडिया स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। ऐसे क्रूशियल सी रूट्स के पास के आइलैंड्स पे कंट्रोल होना इंडियन नेवी के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट की तरह एक्ट करता है। इससे इंडियन नेवी इन रूट्स को मॉनिटर कर सकती है एंड पोटेंशियल एनिमीज को ब्लॉक कर सकती है। इससे इंडिया इंटेलिजेंस गैदर कर सकती है, शिपिंग के रीजनल ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकती है एंड सबमरीन डिप्लॉयमेंट के लिए सब सरफेस ओशनिक डेटा को कलेक्ट भी कर सकती है। इसीलिए चाइना ने अपनी इन्वॉल्वमेंट श्रीलंका एंड मालदीव्स में बहुत बढ़ा दी है, प्राइमरीली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैसिव लोन्स टू दीज इकोनॉमीज। इन छोटी कंट्रीज को अपने लोन ट्रैप में फंसा के चाइना अपनी मिलिट्री रीच को इंडियन ओशन में बढ़ाना चाहती है, पोटेंशियली थ्रेटनिंग इंडिया की सप्लाई लाइंस एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। मालदीव्स, जो हिस्टोरिकली इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, आज अपने न्यू प्रो चाइना लीडर मोहम्मद मोइजू के साथ इंडिया आउट मूवमेंट चला रहा है। चाइना इंडिया को सराउंड करने की कोशिश भी कर रहा है विद इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जो एक पॉलिटिकल नेटवर्क है ऑफ मिलिट्री एंड कमर्शियल प्रेजेंस इन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस लाइक डिजीबूती, पाकिस्तान्स ग्वादर एंड कराची पोर्ट्स, श्रीलंकाज हम्बनटोटा, बांग्लादेशेज चितागोंग पोर्ट, म्यांमार्स यांगोंग पोर्ट एंड अब मालदीव्स ने भी ये लिस्ट ज्वाइन कर ली है, जो इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। अपने इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए एंड अरेबियन सी में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया को एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने की बहुत जरूरत है। ऐसा लगता है कि इंडिया ने लक्षद्वीप को चूज किया है इस क्रिटिकल मिशन के लिए। लक्षद्वीप में मिलिट्री बेस एक स्ट्रेटजिक एसेट की तरह काम करेगा टू टैकल थ्रेट्स पोस्ड बाय पाकिस्तान, चाइनाज इन्फ्लुएंस ओवर मालदीव्स एंड अरेबियन सी में दोबारा बढ़ते पायरेट अटैक्स को। हाउएवर, ये इंडिया की अकेली स्ट्रैटेजी नहीं है चाइना की स्ट्रैटेजी को तोड़ने के लिए। इंडिया अपने ग्लोबल नेबल बेस को तेजी से एक्सपैंड कर रहा है एंड अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कंट्रीज के साथ बढ़ा रहा है। ऐसा एक सिमिलर प्रोजेक्ट अभी ऑपरेशनली रेडी है ऑन मॉरिशियस अगालेगा आइलैंड। इनॉग्रेटेड ऑन 29 February 2024, 3 किलोमीटर एयर स्ट्रिप एंड डॉक को इंडिया ने फंड किया है, जो इंडिया के मिलिट्री एंड कमर्शियल नेटवर्क में जुड़ गया है अलॉन्ग विद बेसिस लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, ईरान एंड ओमान।
जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाता है अराउंड चाइना। ये स्ट्रैटेजी इंडिया की काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। बट स्टिल मिलिट्री बेस बनाना एक चीज है एंड इन मिलिट्री बेसिस में एम्पल नेवल फ्लीट के बिना ये मिलिट्री बेस यूजलेस। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ओशन पे कंट्रोल जमाने के लिए इंडिया को करंट साइज से बहुत बड़ी नेवल फ्लीट की रिक्वायरमेंट है। इंडिया को 200 सर्फेस वेसल्स की नीड है कम्पेयर टू 140 वॉरशिप्स वी ऑलरेडी हैव। आज का नंबर भी इम्प्रेसिव है बट इट्स नॉट इनफ। इसको सुधारने के लिए इंडिया आज 15 साल मॉडर्नाइजेशन प्लान को फॉलो कर रहा है टू इंक्रीज इट्स फ्लीट टू 200 वॉरशिप्स बाय 2027। इंडिया के लिए उसकी नेवल फ्लीट का अपग्रेडेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे भी है ओवर लुकिंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मुझे कमेंट्स करके अपने थॉट्स बताओ। थैंक यू। जय हिंद। क्षितिज सांगी।